अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, ठीक से हैं। तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कुछ फंडामेंटल टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, उनमें एक पॉइसन इक्वेशन है। ये एक बड़ा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, जिसके अंदर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को भी देखते हैं और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को भी देखते हैं और आगे कोऑर्डिनेट सिस्टम को भी डिस्कस करते हैं। तो गॉसेस लॉ से हम शुरू करते हैं। हम ये डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ द गॉसेस लॉ पढ़ चुके हैं। डेल डॉट ई इज इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट रो। ई इसमें क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है, और रो क्या है? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होती है? नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होती है। तो डेल डॉट ई इज इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट रो, ये है डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ द गॉसेस लॉ। इन अ प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ई मे बी एक्सप्रेस एज द माइनस द ग्रेडियंट, एज अ माइनस द ग्रेडियंट ऑफ द पोटेंशियल फाई। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड को आप इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, माइनस ऑफ द ग्रेडियंट ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। यानी ई इज इक्वल टू माइनस डेल फाई। फाई इसमें क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है, और डेल फाई मतलब ग्रेडियंट ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। यह भी एक फंडामेंटल डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये E की वैल्यू हम क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर पुट कर दें। डेल डॉट E में E की जगह ये माइनस डेल फाई पुट करेंगे, हमारे पास आ जाएगा डेल डॉट डेल फाई इज इक्वल टू माइनस रो ओवर एप्सिलॉन नॉट। ये हमारी क्वेश्चन नंबर 3 बन जाएगी। द डाइवर्जेंस ऑफ द ग्रेडियंट, डेल फाई क्या है? ग्रेडियंट ऑफ फाई। डेल डॉट ये डाइवर्जेंस है किसका? ग्रेडियंट ऑफ फाई। The divergence of the gradient as a single differential operator del dot del या del square भी इसको कह सकते हैं, इसका अर्थ लैप्लाशियन। ये जो वैल्यू है del dot del, ये क्या कहलाती है? लैप्लाशियन कहलाती है। del square भी कह सकते हैं इसको। And the लैप्लाशियन is a scalar differential operator. And equation number 3 is the differential equation known as Poisson equation, del square phi is equal to minus rho over epsilon naught. यानी del dot को क्या लिखा हमने? Del square phi लिख दिया, is equal to minus rho over epsilon naught. Del square इसमें क्या कहलाता है? Laplacian operator कहलाता है, और del square phi is equal to rho minus rho over epsilon naught, ये partial differential equation है, और क्या कहलाती है ये? Poisson equation kehlata hai. And this operator del square, it involves differentiation with respect to more than one variable. Zahir hai, jab differentiable hai, differential operator hai, to kisi term ke respect hi operate hoga na, ya with respect to time hoga, with respect to x hoga, y hoga, z hoga, कोई क्वांटिटी होगी जिसके रिस्पेक्ट के डेरिवेटिव होगा। तो दिस ऑपरेटर हैज मोर देन वन वेरिएबल फॉर द डिफरेंशिएशन। देयरफॉर द पॉइसन इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 4 इज अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दैट मे बी सॉल्व वंस वी नो द फंक्शन डिपेंडेंस ऑफ एफ रो एक्स वाई जी एंड अप्रोप्रिएट बाउंड्री कंडीशन। तो इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं अगर हमें इस रो की डिपेंडेंस पता लगी जाए कि ये रो किस पे डिपेंड कर रही है, एक्स के ऊपर, वाई के ऊपर या जी के ऊपर या कोई और वेरिएबल है। इन ऑर्डर टू सॉल्व द स्पेसिफिक प्रॉब्लम वी मस्ट राइट डेल स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ x, y, z are r theta phi or other set of variables. तो इस del square को हम variables की form में लिख सकते हैं, या तो x, y, z की
फॉर्म में लिख लें जो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स कहलाते हैं, या वेरिएबल आप स्फेरिकल पोलर वेरिएबल्स यूज कर रहे हैं जिसको आर थीटा फाई कहते हैं, या फिर सिलैंडरिकल कोऑर्डिनेट्स, कोई भी सेट ऑफ द कोऑर्डिनेट्स यूज किया जा सकता है इस वेरिएबल का इसमें इन्वॉल्व होता है जिसके रिस्पेक्ट के सॉल्व हो। The form taken by del square phi in various coordinate system is easily formed by first taking the gradient of phi and then operating with del. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं इसमें gradient of phi को इस phi का फाइंड आउट करते हैं, स्पेसिफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम चूज करते हैं, फिर del को उसके ऊपर ऑपरेट करते हैं। तो उसके लिए तीन तरह के वेरिएबल सिस्टम हमारे पास अवेलेबल है। पहला क्या है, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अगर रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की टर्म में आप डेल स्क्वायर फाई ऑपरेटर को लिखना चाहे, फाई आपको पता है पोटेंशियल है, डेल स्क्वायर फाई को लिख सकते हैं पार्शियल स्क्वायर फाई बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर फाई बाय पार्शियल वाई स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर फाई बाय पार्शियल जी स्क्वायर। तो ये आपका ऑपरेटर ऑपरेट हुआ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के रिस्पेक्ट। और दूसरा जो वेरिएबल सिस्टम है हमारे पास वो है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स कौन से होते हैं, अगर हम इस डायग्राम को डिस्कस करें, ये डायग्राम है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की, ये अगर एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और ये जी एक्सिस है और यहां पे एक पॉइंट बी है, ये कोई पॉइंट क्यू है, दो आर्बिट्रेरी पॉइंट्स हैं। इस पॉइंट का सिस्टम ये स्फीयर की बात कर रहे हैं, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात कर रहे हैं, ये सेंटर है उस स्फीयर का। तो वो पॉइंट बी जिसके ऊपर आप सॉल्व करना चाहते हैं इस पॉइसन इक्वेशन को, उसका डिस्टेंस सेंटर से क्या होगा, आर होगा, जो कि रेडियस कहलाता है उस स्फीयर का। और ये थीटा पोलर एंगल कहलाता है। इस स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को लिखने के लिए हम इस ऑपरेटर को यूं लिखेंगे, डेल स्क्वायर फाई इज इक्वल टू 1 ओवर आर स्क्वायर पार्शियल बाय पार्शियल आर, आर स्क्वायर पार्शियल फाई बाय पार्शियल आर प्लस, ये पहला वेरिएबल आ गया कौन सा, रेडियल वेक्टर आर आ गया। दूसरा वेरिएबल है इसका थीटा, थीटा का कंपोनेंट क्या होगा, वन ओवर आर स्क्वायर साइन ऑफ थीटा पार्शियल बाय पार्शियल थीटा इनटू साइन ऑफ थीटा पार्शियल फाई बाय पार्शियल थीटा। ये फाई इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है, एंगल नहीं है। प्लस तीसरा इसका होता है ये वाला है फाई, या मैं याद रखें दो फाई है, एक फाई ऊपर वाला फाई क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है, स्केलर फंक्शन है, नीचे वाला फाई ये जो है ये वाला है जो आर बना रहा है विद रिस्पेक्ट टू जी। तो तीसरा कंपोनेंट क्या होगा, वन ओवर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा पार्शियल स्क्वायर फाई ओवर पार्शियल स्क्वायर फाई, दोनों फाई है, ऊपर वाला फाई कौन सा है, पोटेंशियल है जो पॉइसन इक्वेशन के अंदर है, और दूसरा एंगल फाई है, ये वाला। तो इस स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर आर क्या कहलाता है, रेडियस वेक्टर है फ्रॉम द ओरिजिन एंड थीटा इज द पोलर एंगल। तीसरा कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारे पास है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप तीन तरह के वेरिएबल इन्वॉल्व होते हैं, एक आर है और थीटा है और तीसरा जी है। आर इसमें क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सिलेंडर एक्सिस एंड थीटा इज द एजीमुथल एंगल अबाउट द एक्सिस। अगर आप इसे एक सिलेंडर कंसीडर करें, यू सिलेंडर पड़ा होगा, यू इस राउंड शेप का सिलेंडर है और इस डायरेक्शन में ऐसे पड़ा होगा आप, तो ये ओरिजिन है सिलेंडर, ये वन ओरिजिन से इस पॉइंट क्यू का डिस्टेंस ये आर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन ये वन इस पॉइंट क्यू, और ये एंगल थीटा जो ये एजीमुथल है, और तीसरा
और इसका कोऑर्डिनेट है z, ये डिस्टेंस है, ये वाला, इसको हम लिख सकते हैं यहां पे, यानी अगर u आपका सिलेंडर था, एक पॉइंट आपका इधर है, एक पॉइंट इधर है, तो यहां से यहां तक इसका जो डिस्टेंस है वो तीसरा कोऑर्डिनेट एक्सिस है z, और ये अलोंग z एक्सिस ही होगा। तो इस फॉर्म में आप कोऑर्डिनेट सिस्टम को लिख सकते हैं, डेल स्क्वायर फाई इज इक्वल टू माइनस बाय r पार्शियल बाय पार्शियल r इनटू r पार्शियल फाई बाय पार्शियल r प्लस 1 बाय r स्क्वायर पार्शियल स्क्वायर फाई बाय पार्शियल थीटा स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर फाई बाय पार्शियल z स्क्वायर। ये है सिलैंडरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो तीन तरह के कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज होंगे आगे इस पॉइसन इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। पहला क्या होगा, रेक्टेंगुलर, फिर स्फेरिकल और फिर, और याद रखें ये तीनों हमने थ्री डायमेंशन में लिखे हैं, और अगर हम इन कोऑर्डिनेट सिस्टम को सिंगल डायमेंशन में लिखना चाहें तो फिर ये पहले वाला कंपोनेंट सिर्फ आएगा, डेल स्क्वायर फाई बाय फाई पार्शियल स्क्वायर फाई बाय पार्शियल एक्स, बाकी नहीं होगा। अगर आप स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को एक कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो वन ओवर आर स्क्वायर पार्शियल बाय पार्शियल आर इनटू आर स्क्वायर पार्शियल बाय पार्शियल आर, और इसी तरह सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में ये पहला कोऑर्डिनेट आ जाएगा पार्शियल फाई बाय पार्शियल बाय पार्शियल आर इनटू आर पार्शियल फाई बाय पार्शियल आर। तो ये आज का टॉपिक था, हमने पॉइसन इक्वेशन देखी, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को पहले डिफाइन किया और गॉसस लॉ को देखा, गॉसस लॉ के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पुट की तो हमारे पास क्या आ गया, एक डिफरेंशियल इक्वेशन आई जिसको हमने पॉइसन इक्वेशन कहा, और ऑपरेटर लैप्लास लैप्लाशियन ऑपरेटर हमने यहाँ पे ट्राई किया, डिस्कस किया, और उसके बाद हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम डिस्कस किए जिसके अंदर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो यहां तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप इस टॉपिक पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, मेरा व्हाट्सएप नंबर गिवन है, आप उसको मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू।